हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन कुर्जी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 12 की, जो कि 26 अगस्त के लिए जारी किया गया कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों को आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, हम जब सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ये हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। लेकिन अब इससे खाने को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कार्यपत्रक में हमने फूड पॉइजनिंग या खाद्य विघटन के बारे में पढ़ा था। तो हमें यह पता है कि उचित परिस्थिति अगर मिल जाए, जैसे कि ताप और नमी अगर प्रचुर मात्रा में मिल जाते, तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जिससे भोजन का संदूषण हो जाता है, जिसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे खाने की वस्तु का रंग स्वाद बदल जाता है और यह इसमें बदबू आने लगती है और ये खाने योग्य नहीं रहता। तो भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें पूरे साल फल और सब्जियों की आपूर्ति बनी रहे। तो इसके लिए हम कुछ उपाय इस्तेमाल करते हैं बच्चों। उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहला है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में क्या करते हैं बच्चों, हम उसमें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जैसे परिरक्षक मिला देते हैं। ये वैसे भी कमर्शियल वे में होता है, यानी कि जो बाज़ार से आप चीज़ें खरीद के लाते हैं उनमें होता है। फिर है नमक द्वारा। नमक द्वारा क्या करते हैं, मांस मछली आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती बच्चों। फिर है तीसरा क्या है बच्चों, चीनी द्वारा। चीनी के प्रयोग से क्या होता है बच्चों, खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है और जीवाणुओं में वृद्धि रुक जाती है। फिर है तेल एवं सिरके के द्वारा। तेल एवं सिरके के द्वारा कैसे करते हैं बच्चों, तो इसमें जब हम जो अचार बनाते हैं, सब्जी फल मांस मछली, इसमें सिरके और तेल को जब डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते, तो उस वजह से ये वृद्धि रुक जाती है। फिर है गर्म एवं ठंडे के द्वारा। तो दूध को जैसे हम उबालते हैं तो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और खाने को फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, कम तापमान में वो वृद्धि रुक जाती है बच्चों। अब एक इसमें चीज़ आती है, वो है पैश्चराइजेशन। पैश्चराइजेशन विधि साधारण भाषा में कहें तो दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके थैली में भरने की विधि को हम पैश्चराइजेशन करते हैं। इसमें होता क्या है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और ये प्रक्रिया पैश्चराइजेशन कहलाती है। इसे लुईस पैश्चर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, और इसे पैश्चराइजित दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी थैलियों में मिलता है, आपने अलग अलग जगह देखा होगा बच्चों। फिर है भंडारण एवं पैकेजिंग। तो भंडारण एवं पैकेजिंग में हम क्या कर सकते हैं, मावे और सब्जियां जैसे होती हैं उनको वायुरोधी सील वाले पैकेट में रख सकते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से उसकी सुरक्षा हो सके बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए। तो दो रासायनिक परिरक्षक कौन से बच्चों आपके, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। खाद्य परीक्षण के कोई चार तरीके लिखिए। तो बच्चों, खाद्य परीक्षण के कोई चार तरीके कौन कौन से हैं, तो इनमें से कोई भी उपाय लिख सकते हैं बच्चों आप, जैसे कि रासायनिक उपाय, नमक के द्वारा, चीनी के द्वारा, तेल और सिरके के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। तो ऐसा इसलिए डाला जाता है क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो सूक्ष्म जीव हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते, ऐसे एनवायरनमेंट में वो वृद्धि नहीं कर पाते बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4, आम से बनने वाले किन्हीं चार चीज़ों के नाम बताएं जिन्हें हम परीक्षण कर सकते हैं या खा सकते हैं। तो इसमें आम पन्ना हो गया बच्चों, आम पापड़ हो गया, आम की कैंडी हो गई, और आम रस या आम से बनने वाली कोल्ड ड्रिंक हो गई। ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, अचार भी है अगर देखा जाए तो घरों में जो इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।